फ्रेंड्स, आज हम सबनेट बनाने के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। यह ऑफसेट ये चेनेज है 2+120 CL है 7+70 ऑफसेट मार्किंग हो रहा है। ठीक है लगाओ, सही है। इस सबगेट बनाने के लिए सेंट्रल लाइन पे सरिया ठोका जा रहा है, सेंट्रल लाइन से 1 मीटर बाहर। ऐसे करके हम लोगों को जहाँ तक बेड बनाना है वहाँ तक दीवालों पे लिखा हुआ है ऑफसेट, उस ऑफसेट को पकड़ के बीचों बीच सेंटर पे, सेंटर से 1 मीटर ऑपोजिट साइड में सरिया करना है, जिस साइड बेड बनाना है उसका ऑपोजिट साइड में। मिट्टी पहले से डाला हुआ है, अब ग्रेडर आएगी और इसको फैला के वाटरिंग रोलिंग करा देंगे, इसको रेंजिंग करके। यह 100-100 मीटर पे ऑफसेट है, 100-100 मीटर पे अपना ऑफसेट से मेजरमेंट करके सेंटर में डाल लिया सरिया। इसके बाद जो इंटरमीडिएट में जितना सरिया आएगी वो सरिया अपना रेंजिंग करके आंखों से देख के वो बीच वाला सरिया लगाया जा रहा है। बार स्टील बार, यहाँ से इसका ऑफसेट दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर पे दूसरा सरिया गाड़ा जा रहा है। एक ग्रेडर से सॉइल को फैला रहा है, ये देखिए सेंटर और ये इसका एज। सेंटर से इसका दूरी है ये जो सरिया की, ये 7 मीटर। ये स्टैंड है, स्टैंड को ऐसे फैलाया जाता है, इस तरीके से खोलना पड़ता है, लॉक है वो जो टाइट कर रहा है, कस रहा है वो। लेग है, नीचे नॉब लगा हुआ है मिट्टी में धंसने के लिए, एक कस दिया जाता है, उसके बाद पूरा खोल के जितना जरूरत है आप उतना खोल सकते हैं। उसके बाद ये सब जो लॉक है इसको भी आपको कसना पड़ता है, उधर वाला लगा हुआ है। ये ऑटो लेवल मशीन है, कौन सा मशीन है, टॉपकॉन, टॉपकॉन की है ना, टॉपकॉन। देखिए मशीन कैसे सेट किया जाता है, नीचे जो है ये नाट है, इससे ये वाला पोर्शन देखिए, और यहाँ पे है ये भी नाट टाइप किया हुआ है कसने के लिए। उसके बाद इसको सेट कर रहा है टाइट करके, ऊपर एक हाथ रखना पड़ता है और नीचे एक हाथ। और ये ऑटो लेवल मशीन है, ये रिमूव, ये आईपीस है, ये आईपीस है और ये फुट स्क्रू है, ये और एक कंपास है, इसमें भी आप लेआउट कर सकते हैं इस कंपास
देखते हैं। और ये जो टारगेट पॉइंट है ये वाला, तो टारगेट पॉइंट ये होता है ठीक। और ये बाबल है, ये बाबल और फोर्स में से भी देखो, हाँ बाबल इसमें से भी आप देख सकते हैं, इसमें छोटा सा शीशा डाला हुआ है इसके अंदर, प्रिज्म होता है वो ग्लास है। हाँ मशीन पे छोड़े आप मशीन चला किसको चलते रुको, हाँ चल रहा है। अब देखिए मशीन जो सेट होता है ना फूट स्क्रू से, पहले ये दोनों को देखिए, मशीन सेट भी हो गया, देखिए मशीन बिल्कुल बावल है बीचों बीच है। मशीन ऐसे सेट होता है, पहले लेग को सेट करना पड़ता है, उसके बाद ऑटोवेल मशीन में जो फोर स्क्रू है जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा उसको अंदर बाहर देखिए तो हल्का सा दिख रहा है, इसमें अपना बावल अंदर है छोड़ो। और ये घूमता है, रोटेट होता है, ये इससे रोटेट होता है ये, और ये फोकस, इससे फोकस होता है। और ये अपना स्टाफ है, स्केल ये 6 मीटर का स्टाफ है। टीबीएम नंबर कितना है, TBM 9A। इसके ऊपर स्टाफ रखो, इसके ऊपर स्टाफ रख दिया, इसके ऊपर स्टाफ रखा है, स्टाफ सीधा पकड़ो पीछे जाके, आगे मशीन है वहाँ से रीडिंग लिया जाएगा। अरे ये TBM लिस्ट, हाँ बैग में है ना, कैलकुलेटर है नहीं, मोबाइल से कर रहे हैं काम। ये हमारा बैक साइड हो गया जो TBM 9 पर लिया गया है, TBM 9 का RL है 237.340। बैक साइड करने के बाद बैक साइड का रेटिंग आया 1.283। फिर हम SI निकालेंगे, SI के लिए हम बैक साइड और RL का रेटिंग, TBM का रेटिंग को जोड़ देंगे जो कि आया हमारा 238.623। फिर हम इसमें से डिप को 0.3 को माइनस कर देंगे, डिप जो कि हम डिप लिए हैं चेक करने के लिए, 0.3 को माइनस करने के बाद वर्किंग SI आ गया हमारा, वर्किंग SI हमारा आ गया 238.323। इसके बाद से हम फिर से ये देखिए FRL सीट है, FRL सीट में से वर्किंग HI में से FRL सीट का ऑफसेट जो है, ये ऑफसेट है, ऑफसेट वाला रीडिंग को माइनस करते जा रहा है तो उसका स्टाप रीडिंग आ जाता है। ये जो पैक्स गाड़ा गया ये लेवल देने के लिए, देखिए दोनों असिस्टेंट लेवल दे रहा है, स्टाप पकड़ा है दोनों लोग, और वहाँ से मशीन से दिख रहा है कितना अप डाउन करना है। देखिए ओके हो गया तो यहाँ पे टेप से मार्किंग कर रहा है, ये निशान हो गया डिप है यहाँ तक, जिसमें से लूज के लिए ये 3 सेंटी छोड़ा गया है, वो प्लस रखने के बाद फिर हम लोग 3 सेंटी बैठ जाए, 3 सेंटी बैठ जाए, उसके लिए ऊपर डाउन लिया गया है। ठीक ठीक, देखिए डीप चेक हो रहा है, अभी अपना इंजीनियर है ये ऑपरेटर को इशारा कर रहा है कितना काट करना है कितना फील करना है, ये इंजीनियर है। ब्लेड रोलिंग हो रहा है और फिनिशिंग भी हो रहा है, फिनिशिंग ब्लेड भी चला रहा है। Thank you.